हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ लिपस्टिक का रिव्यू। और ये लिपस्टिक मुझे बहुत टाइम पहले रिसीव हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। और ये मुझे एक पीआर में रिसीव हुई थी फ्रॉम नायका, और ये है नायका की ऑल डे मैट लिक्विड लिपस्टिक्स, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। इसके पूरे के पूरे 10 शेड्स मुझे रिसीव हुए थे। एंड इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो लिपस्टिक्स हैं लॉन्ग लास्टिंग हैं, 10 शेड में आती हैं, मास्क प्रूफ हैं, ट्रांसफर प्रूफ हैं, स्मज प्रूफ हैं, फ्लेक्स टिप एप्लीकेटर है फॉर प्रिसाइज एप्लीकेशन, इंटेंसली पिगमेंटेड हैं, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन, ऑल डे मैट फिनिश, वाटर प्रूफ, इनरिच्ड विद विटामिन ई एंड आमंड ऑयल, जो कि नरिश करता है लिप्स को। इस समय मैंने इसमें का एक शेड लगा रखा है और इसे बहुत टाइम से लगा रखा है, लाइक 4-5 घंटे से। एंड ये शेड आप देख सकते हो लिप्स पे और अच्छा पिगमेंटेशन दे रहा है। सो इसे आप नायका स्टोर और नायका से परचेज कर सकते हैं। ये क्रूअल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, वेगन लिपस्टिक्स हैं, विच इज ग्रेट। एंड इस लिपस्टिक्स के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको आप 12 आवर्स से भी ज्यादा वियर कर सकते हो। इंटेंसली पिगमेंटेड है, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है, पानी में भी ये बिल्कुल नहीं जाएगी। सो लाइक इसमें विटामिन ई एंड आमंड ऑयल का नरिशमेंट है। और इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 349 रुपीज है। 349 रुपीज इसका प्राइस है, एंड ये अनबिलीवेबल प्राइस है। और इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। सो आप ये 10 शेड्स के रिव्यू जो है अभी देखेंगे, तो ये मैं कहूंगी कि हाँ, ये लिपस्टिक बहुत देर तक टिकती है। ये देखिए, ट्रांसफर नहीं होती है। ये हल्का सा जो आपको दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा ड्राई हो रहा था तो लिप कलर लगा लिया है। और आपको बोलूं कि ये ड्राई करेगी लिप्स को, इसलिए आप लिप बाम लगाइएगा और लिप बाम बाद में भी लगाइएगा, तो आपकी लिपस्टिक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। लेकिन थोड़ा सा मतलब सूखा सूखा मुंह नहीं लगेगा, इसलिए मैंने लिपस्टिक के ऊपर भी लिप बाम अप्लाई किया था, तो ये ड्राई करती है। इसका एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट ये है। तो चलिए दोस्तों, इनके लिप स्वैचेस मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी एज इट इज जो ये क्लेम करते हैं, बिल्कुल लिपस्टिक्स जो है वैसे ही काम करती है। सो आई रियली लाइक इट। और दिन की रोशनी में ये लिपस्टिक्स के शेड कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं, हैंड स्वैचेस आप देख सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, फेस्टिव वियर लिप कलर है, अफोर्डेबल भी है। और इसको ना मेकअप रिमूविंग बाम से या फिर मिसेलर वाटर से ही आप हटाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड कलर हैं। और आप देख सकते हैं स्किन टोन पर किस तरीके से फ्लॉन्ट कर रहे हैं। ये तो दिन के उजाले की बात हुई, अब मैं आपको रूम की एक लो लाइट में भी दिखा देती हूँ कि यही शेड्स कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, तो ये और ज़्यादा डार्क लगने लगते हैं स्किन पर। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग आती है, कुछ इस तरीके की मेन पैकेजिंग होती है, जिसपे पूरे तरीके से पॉलीथिन से ये रैप होती हैं लिपस्टिक्स, एंड इन पे इनका प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। नायका की ऑल डे मैट कलेक्शन की सभी लिपस्टिक्स के शेड इंडियन स्किन टोन पर परफेक्टली जाते हैं, और आप कोई भी शेड ले लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुली स्किन पर दिखेंगे। तो बिल्कुल आप परचेज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इनमें से सबसे ब्यूटीफुल शेड मुझे फूशिया शेड ही लगा है दोस्तों। सबसे पहले जो मैं कलर अप्लाई करने वाली हूँ, ये है नायका ऑल डे मैट ग्रैंड फैन, एंड ये 2.1 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ में आती है। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है ये, और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग। सी, तो आप इसका कलर देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये थोड़ी सी देर में ही ड्राई हो जाती हैं, इसलिए हमेशा लिप्स पर लिप बाम ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट जो लिप कलर है, दिस इज़ नायका ऑल डे मैट सुपर मॉम, एंड 2.1 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसकी भी, सेम प्रोडक्ट क्वांटिटी है सभी में। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल शेड।
तो ये शेड आपको जरूर लेना चाहिए, ये बहुत ही खूबसूरत है। एंड वैसे तो ये सारे शेड ही वर्सटाइल हैं, हर एक स्किन टोन पर कॉम्प्लीमेंट करेंगे। थर्ड जो शेड है ये है टीचर ट्राइब, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल मैजेंटा फूशिया कलर है। और आपको पता है ये कलर मैंने बीच में कुछ वीडियोस में यूज किया था, एंड आपने बहुत पूछा था, तो मैं आज बता देती हूँ। वाह, ये कलर किसी भी स्किन टोन को बहुत ही ज्यादा ब्राइटर दिखाएगा, तो आपको जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो शेड है ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड नेम है सोल सिस्टर। सी कितना खूबसूरत लग रहा है, ना तो ये ब्राउन है, ना ये रेड है, ना ये पीच है, एक परफेक्ट मिक्सचर है जिन्हें डार्क लिपस्टिक अच्छी लगती है उनके लिए। नेक्स्ट जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, ये है शेड नेम डियर डॉग। वाओ, इट्स प्रिटी, ये रस्टिक कलर है एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये डे टाइम में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, पिक्चर्स में बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो शेड है ये है डार्लिंग डॉटर, इट्स अ पीची न्यूड कलर। और ये भी अच्छा लग रहा है, जिन्हें पीची कलर पसंद है वो ये ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये है गर्ल गैंग, एंड ये सॉफ्ट पिंक कलर है। सी नेक्स्ट जो शेड नेम है दिस इज ड्रीम वाइफ, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल है। वाओ, ये शेड सबसे अलग है, ना तो ये पिंक है ना रेड है, ये बहुत अच्छा एकदम शॉकिंग कलर है, सो इट्स ब्यूटीफुल। ये जो कलर मैं अप्लाई करने वाली हूं दिस इज बॉस बेब। ये जो कलर है ये पिंक का मिक्सचर है, ये डार्क पिंक कलर है लेकिन थोड़ा सा इसमें मरून का टच है, बट लिप्स पे अप्लाई करने के बाद आपको ये बिल्कुल पिंक का ही लुक देगा, तो ये काफी अच्छा है, आप इसको ले सकते हो। लास्ट जो शेड है ये है कूल पॉप, एंड ये ब्राइट रेड कलर है, तो ये मैं अप्लाई कर लेती हूँ। ये जो शेड है ये थोड़ा सा टैंजरिन की तरफ है। लेकिन ये स्किन पर काफी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट ये बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और अभी विंटर आ रहे हैं तो आप लिप बाम जरूर से अप्लाई करिएगा। एंड इनको रिमूव करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मिसला वाटर मेकअप रिमूविंग वाइप का इस्तेमाल कर रही थी, और तभी ये थोड़ा इजीली रिमूव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद लिप्स थोड़े स्वेल हो जाते हैं।
मैं इसको रिमूव तो कर रही हूँ। बट इनका कुछ कलर जो है वो लिप्स पे रह गया है। देख सकते हैं, तो ये आप मेकअप रिमूवर से ही रिमूव करो। सी, इसका नेगेटिव पॉइंट ड्राइनेस ही है। ओके, तो ये मैंने रिमूव तो कर लिया है, मगर हल्का फुल्का कलरिंग जो है वो रह गई है लिप्स पे। और अब मैं लिप बाम अप्लाई करने वाली हूँ, एंड मैं यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ का लिप बाम। यस, टिंटेड लिप बाम। ताकि मेरे होंठ फटे नहीं, नरिश्ड रहे, और ये जो बार बार रब करने से, इसको क्लीन करने से जो थोड़ा सा स्वेल हो जाते हैं, वो नॉर्मल हो जाए। बहुत ही अच्छे टिंटेड लिप बाम है ये। इनका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हेल्प हुई है तो आप प्लीज जरूर से चेक कर लीजिएगा। सारे शेड्स जो हैं वो फेस्टिवल्स के लिए बिल्कुल इन है। आप किसी भी आउटफिट के साथ इन्हें मैचिंग करके अप्लाई कर सकती हो। अफोर्डेबल है, तो स्टोर और ऑनलाइन हर जगह से आप ले सकते हैं। नायका मेकअप काफी अफोर्डेबल है, सो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो जरूर देखिएगा। एंड इस समय जो मैंने ये कुर्ता पहन रखा है, इससे रिलेटेड और भी जो हॉल वीडियोज आप देखना चाहते हैं वो जरूर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। बाय दोस्तों, फॉलो कर लीजिएगा मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड मेरे अनदर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।